Journey is always more beautiful and enduring than the goal itself. I present to you Panache, where you will be introduced to the shining personalities of Indore. Namaste Indore, this is Ruchi Batroda and welcome to my show Panache, the Pathfinders of Indore. Panache, एक ऐसा खूबसूरत और अनोखा सफर जो आप और मैं हम साथ मिलकर सफर तय करेंगे, जानेंगे पहचानेंगे उन आइकन्स ऑफ इंदौर को जिन्होंने कड़ी मेहनत की, कई चैलेंजेस फेस किए और बने एक बड़ी हस्ती जो आज वो है। तो चलिए शुभारंभ करें उनसे रूबरू होकर। स्टूडेंट का करियर बनाने जितना योगदान उसके पेरेंट्स का होता उतना ही योगदान स्कूल का। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका उतना ही योगदान एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का करियर बनाने में रहा और उन्होंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को अपनी स्कूल से ट्रेन किया है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं अपने फ्यूचर में। नमस्ते, मैं तिमसी राय, डायरेक्टर ऑफ एडवांस अकेडमी। How are you, ma'am? I'm good. How feeling are you? Great. Yeah. So let's begin. And my first question to you is, what is the key to successful principalship? If I can put it in one word, yeah, then it is you need to be extremely kind. Because when you are kind, compassionate, yeah, and you are empathetic towards others who are with you, then automatically you become a very good principal or a leader. Yeah. Because after all, principal, who is the principal? The best teacher. Yeah. Is the principal. And the best teacher is one who does maximum work. Mm. So being the principal means working like maximum. Huh. सबसे ज़्यादा काम करना, सबसे अच्छा nature जिसका होना, सबसे ज्यादा जो दूसरों को समझे, exactly. तो हर चीज में सबसे ज्यादा, इन ऑल द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, दैट इज द की टू सक्सेसफुल प्रिंसिपल। ऑब्वियसली क्योंकि आपको पेरेंट्स के साथ भी डील करना है, स्टूडेंट्स के साथ भी करना, फैकल्टी के साथ भी डील करना, तो वो आपकी बात तो मैं भी करती हूँ कि जो सबसे ज्यादा वर्ड जो आपने यूज किया वो बहुत करेक्ट वर्ड यूज किया। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि मैम, पेंडेमिक की सिचुएशन में हर किसी ने अपने अपने लेवल पे चैलेंजेस फेस किए, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फाइनेंशियल। मैम, आप इतनी बड़ी स्कूल को चला रहे हैं, आपने भी कई चैलेंजेस ये 2020-19 और 21 में भी फेस किए होंगे। व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड? सी, चैलेंज फॉर मी इज समथिंग व्हिच आई एसोसिएट विद जॉय एंड प्लेजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टेट दैट चैलेंज यहाँ पे हम कोई नेगेटिव सेंस में नहीं समझ रहे हैं। चैलेंज इज समथिंग विच गिव्स अस दैट किक और अच्छा काम करने का। मतलब अगर ये चैलेंज नहीं होता तो 20 साल से जो टीचर्स टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ले पाए थे, पैंडेमिक ने एक महीने में उनको ट्रेन कर दिया। बिकॉज व्हेन देयर यू नो, आपको जब जरूरत होती है किसी चीज की, आपको करना ही है, यू हैव टू बी एक्सपर्ट। और ज्यादा एफिशिएंसी से वो चीज हो जाती है। right. कि आपने जो किक वर्ड यूज किया कि यार अब तो ये करना ही पड़ेगा, वी हैव नो अदर सॉल्यूशन। ट्रस्ट मी, हमारे यहाँ स्कूल में टीचर्स थे जो 17-17 साल से हैं, 15-15 साल से हैं, और कभी उन लोगों ने, मतलब उनको स्मार्ट बोर्ड में इतनी डिफिकल्टी आती थी, टच स्क्रीन, एंड दे आर कंडक्टिंग जूम क्लासेस सो एफिशिएंटली, शेयरिंग स्क्रीन, वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को, मतलब व्हाट्सएप पे दे हैव बिकम सो एक्सपर्ट, एंड ऑल द थिंग्स व्हिच आर देयर, यू नो, ऑल दोस ऑनलाइन टेस्ट एंड एवरीथिंग दे आर डूइंग फ्लॉलेसली। और जो कि इतने सालों से दे वर यूजिंग ओनली चॉक एंड बोर्ड, वो पैंडेमिक ने उनको इतना टेक सेवी कर दिया। सो इट इज चैलेंज इज लाइक अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर एंड लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। सो लाइक देयर आर ऑलवेज यू नो प्रोज एंड कॉन्स टू एवरी सिचुएशन। सो आई हैव अ हैबिट ऑफ, मतलब मैं एक उसकी अच्छी स्थिति को मैं ज्यादा फोकस करती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है,
तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस सिचुएशन से। वो यही है कि नेगेटिविटी देखोगे तो वही दिखेगी, पॉजिटिविटी देखोगे वही रिफ्लेक्ट होगी आपके सामने, लेस वाली बात होगी। एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि मैम, मोस्ट डेटा इंडिकेट्स दैट अ इमर्जिंग लर्निंग गैप अकर्ड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। कई बच्चों स्पेशली फॉर द वंस जो किंडरगार्टन में है और अब किंडरगार्टन से वो प्राइमरी स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स फेस होती है कि अभी तो उन्होंने लर्न ही किया है और एकदम से स्कूल बंद हो गई, तो उनको कैसे ट्रेन किया, तो वो आप जो गैप है उसे आप कैसे कोपअप करेंगे आप टीचर्स? देखिए, सबसे जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की क्वालिटी और लीडर की क्वालिटी होना चाहिए कि वेट ना करे कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तब कोई एक्शन ले, गैप आ जाए उसके बाद हम उस गैप को फिल करें। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमने भी बीइंग एडवांस एकेडमी, हमने भी पहले ही मतलब मेरे जो फादर इन लॉ है जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने आई थिंक 2020 में शुरू में ही कह दिया था कि इस तरह का ये जो लॉकडाउन है ये एक दो महीने में नहीं जाने वाला। उन्होंने फरवरी 2020 में बोल दिया था हमको ये लंबा जाएगा, और उनके ये वर्ड से कि अगर जरूरत पड़ी बेटा तो घर घर जाके भी पढ़ाएंगे अपन बच्चों को, उनके ये वर्ड से। तो हमें कभी वैसे हालांकि अभी तो जरूरत पड़ी नहीं करने की, बट हम उसके लिए भी प्रिपेयर थे कि नो मैटर व्हाट एवर द सिचुएशन, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और टीचर तो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ कोई पहुँचे नहीं पहुँचे। तो जिसको टीचर्स आर यूजुअली वेरी पैशनेट, तो वो बच्चा ऑनलाइन नहीं आ रहा है व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे नहीं पापा को फोन करेंगे, नहीं आप बात कराइए, सुबह नहीं आ रहा है, शाम को हम फोन कर देते थे कि हमें तो पढ़ाना है। अच्छा, और इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है उस वक्त, तो हम मॉड्यूल्स बनाते थे, अपना वीडियो बनाती थी टीचर्स पढ़ाते हुए, और वीडियो करके बच्चों को भेज देते थे कि अच्छा सुबह तुम्हारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है ना, चलो शाम को पढ़ो, शाम को मेरा वीडियो देखो, और फिर सुबह उससे क्वेश्चन पूछे। तो हमने वो गैप आने ही नहीं दिया प्री प्राइमरी में स्पेशली टीचर्स, क्योंकि वैसे अराउंड 15 स्टूडेंट्स रहते हैं प्री प्राइमरी क्लास में, 15 to 20, तो डेली टीचर्स उन बच्चों को इंडिविजुअल कॉलिंग करती हैं, इनफैक्ट देख कर बच्चों को वीडियो कॉलिंग, दैट बॉन्डिंग इज मेड, क्योंकि व्हेन दैट बॉन्डिंग इज देयर विद द क्लास टीचर, फिर उसके इंस्ट्रक्शन वो बच्चे तभी फॉलो करते हैं। इट्स नॉट कि आपने होमवर्क दे दिया तो बच्चे कर लेंगे, वर्कशीट भेज दी कर लेंगे, सो दैट बॉन्डिंग एंड कनेक्टिविटी, तो वो पहचानने लगे थे टीचर्स को, एंड देन वो गैप आने दे दिया हमने। यही तो मैम आपका डेडिकेशन है, आपका स्कूल के तरफ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका सबका ये एक रिजल्ट है अल्टीमेटली, इतनी अच्छी और इतनी अमेजिंग स्कूल है एडवांस एकेडमी। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आज के एपिसोड में देखा, की टू प्रिंसिपलशिप इज काइंडनेस एंड बीइंग कंपैशनेट। एडवांस एकेडमी स्कूल ने जैसे ही पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे अपने आने वाले चैलेंजेस के लिए, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। थैंक यू।